संडे के दिन सुबह सुबह वीडियो, मजा आ गया भाई। भाई वीडियो की शुरुआत शायरी से करते हैं। तो सुनिए, वीडियो मैं रोज बनाता हूँ, आज तक मेरे से कभी गलती नहीं हुई है। वीडियो रोज बनाता हूँ, आज तक मेरे से गलती कभी हुई नहीं है। और मेरी वीडियो को लाइक करने वाले यहाँ पर अबे कोई नहीं है। गलती नहीं होती, अबे तेरी हर वीडियो ही गलत होती है। तो यार मेरा नाम है रोहित, और कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा आपको ये बैकग्राउंड कैसी लगी, अच्छी है या एकदम बेकार है। तो बात करने वाले हैं यहाँ पर न्यू सिक्योरिटी ऐप की, जो कि पहले चाइना में आ रही थी, वहाँ पर टेस्टिंग हो रही थी, अब कंप्लीट हो चुकी है, ग्लोबल रोल आउट स्टार्ट हो चुका है। तो आपने कल यार कमाल कर दिया था, बिना इंट्रो के ही आपने 700 से भी ज़्यादा लाइक्स दिए, यार बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की वीडियो के लाइक का टारगेट है 500 लाइक्स का, आई होप आप पूरा कर देंगे। चैनल पे नए आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब। तो यार ऑफिशियल जो है वो ग्लोबल रोल आउट स्टार्ट हो चुका है न्यू सिक्योरिटी ऐप का। तो यहाँ पर अभी जो है चाइना में चल रही थी, वो जो है अब इंडिया में एंड ग्लोबल में बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, आप अभी अपने डिवाइस पे कैसे इसे इंस्टॉल करके ट्राई कर सकते हैं। ये चाइनीज एपीके नहीं है, ये ग्लोबल का एपीके है जो हमें भी देखने को मिलता है। तो आपका कोई भी डिवाइस हो सकता है, तो आप उसमें ट्राई कर सकते हैं अगर काम करता है तो। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, अभी जो है वो रोल आउट जो है वो ग्लोबली स्टार्ट हुआ है, तो आप भी चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको मिला है, अगर आप ग्लोबल में रहते हैं तो देखते हैं कब आती है हमारे इंडिया में भी अपडेट, पर अभी जो है वो ग्लोबल में ही रिलीज की गई है। तो एपीके जो है आपको मेरे ग्रुप में मिल जाएगा यहाँ पर, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आप अभी जो है अपने गेम टर्बो में जाते हैं, कोई गेम खेलते हैं, तो अभी आपको कुछ इस प्रकार का जो है गेम टर्बो देखने को मिलता है, जो कि सिंपल है, ठीक है, जो भी है यहाँ पर मिल जाता है। पर यहाँ पर जो न्यू सिक्योरिटी ऐप है आपको मेरे ग्रुप में मिल जाएगी, ये जो है वो दोस्तों ऑफिशियल है और जो है वो चाइनीज़ नहीं है। तो आप देखेंगे ये वर्जन अभी हमारे इंडिया में चल रहा है, कुछ डिवाइसेस में डिफरेंट चल रहा होगा, तो अपडेट्स जो है वो रोलिंग आउट होती रहती हैं। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर फाइल मैनेजर में जाते हैं, तो यहाँ पर एपीके में जाते हैं, तो ये सिक्योरिटी ऐप है आपको मेरे जो है वो मिल जाएगी ग्रुप में। तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है ग्लोबल, तो ये ग्लोबल की है, तो आप किसी भी डिवाइस में इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर नहीं होता है तो एक बार अनइंस्टॉल आपकी जो पुरानी अपडेट्स हैं आप उन्हें कर दीजिए, तो आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है वो इंस्टॉल हो गई है, तो आपका कुछ ज़्यादा चेंज यहाँ पर नहीं होता है, वैसे ही रहता है, थोड़ी बहुत इधर उधर चेंजेस हो जाती हैं। पर अगर आप अब जो है वो अपनी गेम में जाते हैं यहाँ पर, तो गेम में जाएंगे तो अभी आप देखेंगे, ये इस प्रकार का हो गया है। तो अभी आप देखेंगे तो आपको वॉइस चेंजर जिन जिन डिवाइसेस में सपोर्ट करता है वो मिल जाता है, और यहाँ पर ये लेआउट आपको देखने को मिलती है। तो न्यू गेम टर्बो और गेम जो भी आप कह सकते हैं तो आपको देखने को मिला है, बैलेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, एंड परफॉर्मेंस मोड, तो आपकी जो है वो काफ़ी अच्छी आपको परफॉर्मेंस मिलेगी गेम में, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो क्विकली से यहाँ पर भी देख लेते हैं एक बार, गेम टर्बो में जाते हैं तो यहाँ पर अभी जो है पबजी इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी जो है पबजी यहाँ पर आ रही है, तो अभी आप देखेंगे तो आपको जो है वो नया गेम टर्बो यहाँ पर भी देखने को मिलता है, तो ये रेडमी नोट 7 प्रो है। तो आपका कोई भी डिवाइस हो सकता है, तो ये काम इसमें जो है वो करता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी बैटरी लाइफ जो है काफ़ी अच्छी हो गई है, मैं इसे एक दिन से यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बैटरी में जाते हैं तो मेरे को काफ़ी अच्छी बैटरी लाइफ भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट मैंने लिया था, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे को काफ़ी अच्छी बैटरी बैकअप यहाँ पर देखने को मिला। तो यहाँ पर आप देखेंगे यार मेरे को काफ़ी अच्छा बैकअप यहाँ पर देखने को मिल रहा है मेरे डिवाइस में, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपने इस एपीके को इंस्टॉल किया है, तो अगर आपको कुछ नहीं पसंद है या आप नहीं चाहते इसे, तो आप सिंपली जो है यहाँ पर आ जाइए सिक्योरिटी ऐप में, टैप एंड होल्ड कीजिए, ऐप इंफॉर्मेशन में आइए एंड अनइंस्टॉल अपडेट्स कर दीजिए, तो आप सिंपली जो है अपनी बैक टू नॉर्मल आपकी सिक्योरिटी ऐप में आ जाएंगे। तो यार ये सारी इंफॉर्मेशन थी यहाँ पर इस सिक्योरिटी ऐप के बारे में। तो यार आज के लिए बस इतना ही।